हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग को कनेक्ट करने वाला। दोस्तों, नकोदर से अमृतसर एक्सप्रेसवे की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, 6 नोटिफिकेशन आज मैं आपके लिए लाया हूँ। ये मिसिंग खसरा नंबर है दोस्तों। पहला दोस्तों कपूरथला तहसील है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी, इसकी तहसील है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों जालंधर नकोदर, इसकी तहसील है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों तारन तार, और इसकी जो तहसील है दोस्तों खंडूर साहिब, इसकी तहसील है। और साथ ही दोस्तों अमृतसर में अमृतसर वन, इसकी तहसील है। और छठी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों अमृतसर टू, ये छठा नोटिफिकेशन है। ये दोस्तों आप देख सकते हो, गांव का नाम पढ़ सकते हो, यहाँ सीरियल नंबर है, सर्वे नंबर है, टाइप ऑफ लैंड है, नेचर ऑफ लैंड है, एरिया दिया हुआ दोस्तों हेक्टेयर में, इसको आप देख सकते हो। धीरे धीरे वीडियो को मैं आगे ले जाऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो की स्पीड को कम भी कर सकते हो। ये सभी नोटिफिकेशन है दोस्तों। इससे पहले मैं जो वीडियो लाया था उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से नंबर में कौन कौन से गांव में से कितना एरिया लिया हुआ है, फुल नोटिफिकेशन था। और ये दोस्तों मिसिंग खसरा नंबर हैं, कुछ गांव छूट गए थे या फिर कुछ गांव में मिसिंग किला नंबर रह गए थे, तो ये उनको ऐड किया गया है। उनका कैपिटल 3 है, ये बनाया गया। इससे पहले जो वीडियो दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट की मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों आप, ये जो कैपिटल 3 है दोस्तों, ये प्रपोज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। लगभग एक हफ्ते के अंदर ही ये भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित किया जाएगा। और दोस्तों लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के बाद में 21 दिन का समय होता है, आप अपील कर सकते हो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास में यदि आपकी कोई शिकायत है तो। उसके बाद में आप दोस्तों 21 दिन के बाद में आपकी सुनवाई होती है, उसके बाद नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3D का प्रोसेस आरंभ हो जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हो, यदि आपका कोई नंबर छूटा हुआ रह गया हो और वहाँ पर निशानदेही और की है तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये नंबर अभी एक्वायर हुए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन वीडियो को बनाने में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा स्पीड में इसकी बढ़ा रहा हूँ ताकि सभी वीडियो मेरी आ जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 73.2674 हेक्टेयर इसमें एरिया आया कपूरथला। सुल्तानपुर की बात करेंगे दोस्तों, ये आप गांव का नाम देख सकते हो। अगर मैं धीरे धीरे करके वीडियो को ले जाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा स्पीडली ले जा रहा हूँ दोस्तों। आप वीडियो की स्पीड को सेटिंग में जाके कम भी कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो को, ये नंबर थे दोस्तों, कुछ मिसिंग नंबर रह गए थे, ये सभी मिसिंग नंबर्स हैं। और दोस्तों लैंड से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आप चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों, प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों मैंने अलग अलग, उन प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हो। 105 हेक्टेयर लैंड दोस्तों इसमें एक्वायर हो रही है। और जालंधर नकोदर की बात करेंगे दोस्तों, तो जालंधर नकोदर में जो मिसिंग खसरा नंबर है, ये थोड़े ही खसरा नंबर हैं, आप देख सकते हो ये खसरा नंबर जालंधर नकोदर के हैं दोस्तों। 22 हेक्टेयर इसमें एरिया लिया हुआ है। तारन तार खंडूर साहिब की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें ये गाँव के नाम बोल्ड किए हुए हैं आप देख सकते हो, और एरिया भी आप देख सकते हो दोस्तों कितना एरिया कौन से किले में से लिया गया है। ये आप वीडियो को की स्पीड ज़्यादा लगे तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा सेटिंग में जाके कम भी कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, ये गांव का नाम दोस्तों, ये मिसिंग खसरा नंबर है। मैं आपको बार बार इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और कई दोस्तों का सवाल था कि हमारे यहाँ पर निशानदेही और की है लेकिन किला नंबर जो है नोटिफिकेशन उनके किला नंबर नहीं आए, तो उन दोस्तों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को देखें। और इसका मैं लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
वहाँ से भी आप दोस्तों इन वीडियो को देख सकते हो, और इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, और वहाँ से आप वेबसाइट पे जाके अपने किला नंबर और कसरा नंबर को ध्यानपूर्वक देख सकते हो। ये दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, इसका डाटा कलेक्ट करने में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी। ये देखिए दोस्तों 217 हेक्टेयर तरन तार खंडूर साहिब का एरिया है। अमृतसर वन की बात करूँ तो दोस्तों ये गांव का नाम आप पढ़ सकते हो, और अमृतसर वन है दोस्तों। इसके बाद में अमृतसर टू की बात करूँगा, ज़्यादा एरिया नहीं है दोस्तों, ये मिसिंग कचरा नंबर है। 34 हेक्टेयर लैंड इसमें ली गई है। अमृतसर टू की मैं बात करूँगा दोस्तों, तो अमृतसर टू में दोस्तों ये गांव का नाम आप पढ़ सकते हो, बोल्ड में दिया हुआ है, और ये किला नंबर और कचरा नंबर देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित हो जाएगा, आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों। कई दोस्तों का बार बार कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहे थे कि कई डिस्ट्रिक्टों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, उनसे निवेदन ये है दोस्तों वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। लगभग अब तक के जितने भी अपडेट थे मैं सारी अपडेट इस वीडियो में ले आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों अपने संबंधित दोस्तों मित्रों जमींदारों के पास ज़रूर भेजें, ताकि दोस्तों वो भी जागरूक हो सकें और समय पर वो इस पर उचित कार्रवाई कर सकें दोस्तों। अरे आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही फास्ट इसमें काम हो रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्दी इस पर कंस्ट्रक्शन कंपनी नियुक्त होने वाली है, और मेरा निवेदन यही रहेगा दोस्तों जैसे ही कैपिटल 3A हो जाता है तो कोई भी ज़मींदार रिस्क ना ले फसल का, नहीं तो अगर वो फसल का रिस्क लेता है तो उसका जिम्मेदार वो है खुद होगा। 210 हेक्टेयर लैंड दोस्तों ये एक्वायर हो रही है अमृतसर वन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।